क्या आपको भी देर रात तक सोने की आदत है? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको साफ कर देंगे कि देर रात तक जगने से आपके दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा। ये तो समाज में देर रात तक जगने वाले को लापरवाह और आलसी माना जाता है, पर विज्ञान इस विषय में कुछ और भी कहता है। विज्ञान के अनुसार देर रात तक जगने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आज आप जानोगे कि देर रात तक जागने वाले और उनकी बौद्धिक क्षमता में आखिर क्या संबंध होता है और उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। और यकीन मानिए, यह जानकर आप अपने सोने के टाइम पर जरूर ध्यान देंगे। सबसे पहले मशहूर लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात कर लेते हैं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कुछ समझ आया? अगर नहीं तो चलो हिंदी में समझा देता हूँ। यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है, और ऐसा ही कुछ हमारे भारतीय संस्कृति में भी कहा जाता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार जल्दी सोकर उठने वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता देर रात तक जगने वालों के लोगों की तुलना में कम होती है। लेकिन यह सुनकर आप देर रात तक जगना शुरू मत कर देना, क्योंकि एक रिसर्च में जल्दी सोकर उठने वाले व्यक्ति को आशावादी, ज्यादा स्फूर्तिला और ज्यादा कॉन्शियस बताया गया है। दरअसल जल्दी सोकर उठने वाले लोग सूर्य की नेचुरल लाइट में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो कि उनके शरीर को वातावरण के साथ सिंक रखता है और स्वस्थ भी रखता है। MRI स्कैन में पता लगाया कि भाई दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सुबह के टाइम में ही ज्यादा एक्टिव रहता है, और दिमाग का यह भाग प्लानिंग करता है, इच्छा शक्ति बढ़ाता है, निर्णय लेता है। यह इच्छा शक्ति ही तो है जो हमें बड़ी से बड़ी चीज प्राप्त करवाने में मदद करता है। मतलब जल्दी सोकर उठना किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा है तो समस्या क्या है देर रात तक जगने वाले लोगों के साथ? चलिए तो आपको इस सवाल का उत्तर दे देते हैं। जैसा शुरू में आपको बताया गया है कि देर रात तक जगने वाले व्यक्ति बौद्धिक क्षमता जल्दी सोने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा होती है, तो क्या आपको भी अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए देर रात तक जगना चाहिए? इसके लिए आपको पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। दरअसल देर रात तक जगने वाले समाज में लोगों से जुड़ नहीं पाते, यानी वो समाज के साथ सिंक नहीं कर पाते, और रिसर्चर्स ने इसको नाम दिया है सोशल जेटलैग। दुनिया में जो काम सुबह जल्दी सोकर उठने वाले पहले ही कर लेते हैं, वह देर तक सोने वाले बहुत ही लेट करते हैं। मानो वो ऐसे जी रहे हैं जैसे किसी दूसरे देश के टाइम जोन में जी रहे हो। चलो एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसा मान लो कोई व्यक्ति रात को 2 बजे सोए और उठे सुबह 11 बजे, तो उसके लिए दिन की शुरुआत तो 11 बजे से ही हुई ना। उसे दिन 11 बजे से शुरू करना है, वो समाज में अभी हर काम में पीछे है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात भर जग कर कुछ घंटे के लिए सोए और सुबह जल्दी उठे, तो नींद की कमी से उनके ब्रेन के फंक्शनिंग पर असर पड़ता है, और इन दिमाग के बदलाव को फिजिकली देखे तो उसमें भी बदलाव आता है। इस बदलाव को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो इस फोटो में आपको साफ दिखाई दे रहा है। आप जो दिमाग में सफेद रंग का एरिया देख रहे हैं, वह है व्हाइट मैटर, जो लोगों में रात भर जगने के कारण कम होने लगता है। यह एरिया ब्रेन में हार्मोन के पाथवे की तरह काम करता है। इनके कम हो जाने के कारण ब्रेन में हार्मोन के पाथवे का रास्ता भी कम हो जाता है, जिससे हम खुश रखने वाले हार्मोन भी कम बहते हैं, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन। इसके कारण से देर रात तक जगने वाले लोगों में लैक ऑफ विल पावर और आलस्य साफ साफ दिख सकता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल तेजी से दौड़ रहा होगा, जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है कि देर रात तक जगने वालों में बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ जाती है। देर रात तक जगने वालों में दिमाग में कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसके बढ़ जाने से देर रात तक जगने वाले व्यक्ति किसी से भी अचानक से आने वाले खतरे के प्रति पहले ही सजग हो जाते हैं और रिस्क उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिनसे नई नई संभावनाएं उनके लिए बनने लगती है, और इसी वजह से ऐसे लोग क्रिएटिव हो जाते हैं और फाइनेंशियली ग्रो करते हैं।
ऐसे लोग किसी चीज को समझने की शक्ति को विकसित कर लेते हैं और यही उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये शानदार वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सके इसलिए अपने दोस्तों और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा से ज्यादा व्यूज ही हमारा मोटिवेशन है। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।